हजारीबाग सीट पर वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नए कैंडिडेट के ऐलान के बाद उन्होंने प्रचार से दूरी बनाई, जिस पर पार्टी ने एक्शन लिया है। बता दें कि हजारीबाग सीट पर बीजेपी ने इस बार जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा। इस सीट से जयंत सिन्हा लगातार दो बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचने में कामयाब रहे हैं। हाल ही में उनके बेटे आशीष सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जयंत सिन्हा के पिता यशवंत सिन्हा पहले ही 2018 में बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की तरफ से जारी एक चिट्ठी में कहा गया है कि आपके रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। चिट्ठी में कहा गया, जब से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी द्वारा मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से आप न तो चुनाव प्रचार और न ही संगठनात्मक कार्य में रुचि ले रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश के अनुसार आपसे इस संबंध में 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण चाहिए। बताते चले कि टिकट बंटवारे से पहले जयंत सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वह भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सोमवार को झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हुई। 3 सीटों पर कुल 63.6% मतदान दर्ज किया गया। चतरा लोकसभा सीट पर 62.96%, हजारीबाग सीट पर 64.51% और कोडरमा सीट पर 61.86% वोटिंग हुई। इससे पहले 13 मई को झारखंड के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची हुई सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी।